नेता प्रेम शुक्ला जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद का बयान आया है कि जो भारत में मुस्लिम है वो उनके पूर्वज हिंदू थे, कैसे देखते हैं इस बयान को? ये स्वागत योग्य बयान है उनका, और किसी का मूल और कुल ये निश्चित तौर पर हर किसी को पता होना चाहिए। आप अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन पूर्वज नहीं बदल सकते। तो जो गुलाम नबी आजाद जी कह रहे हैं वह ऐतिहासिक सत्य और तथ्य है। इस देश में सबसे पुराना धर्म वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म ही है। शेष पंथों का उद्भव कालांतर में हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो धर्मांतरित हुए हैं बलात्, और बहुत लोगों ने स्वेच्छा से धर्म स्वीकार किया है, लेकिन सबके जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही हैं, ये सनातन सत्य है। लेकिन सर, जिस तरह से उनका यह कहना है कि कुछ ही में लोग जो थे मुगल के साथ जो आए थे कुछ ही में संख्या में सैनिक थे, बाकी जो लोग थे वो कन्वर्टेड थे, सर? हाँ, निश्चित तौर पर ये तो सत्य है ना कि समग्र जो अखंड भारत है इसमें सब हिंदुओं के हिंदू ही थे, और आज जो भी चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो चाहे शेष पंथों के लोग हैं उनके पूर्वज जो हैं वो हिंदू थे। ऐसे में आप धर्म परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन अपने पूर्वज नहीं परिवर्तित कर सकते। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव रखना जो है ये स्वागत योग्य है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली।